अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें देश की जनता के सामने बताते रहते हों और कैमरों के सामने उनका नाटक और नौटंकी देखकर तो बड़े बड़े अभिनेता भी शर्मा जाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी बात वो अपने भाषण में बोलते हैं उस पर कितना अमल होता है, समय समय पर उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि लोगों का उनकी बातों से विश्वास उठ जाता है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के बाबा और उनके महंत योगी और उनका बड़ा कुनबा है जिसमें संगीत सोम तो पहले से ही अपनी मुस्लिम विरोधी छवि के चलते भाजपा आला कमान के चहितों की सूची में शुमार थे, और अब यूपी के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव ने भी आला कमान की गोद में बैठने को दौड़ लगा दी है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि योगी के ये मंत्री जी मंत्री ही नहीं बल्कि ये अपने आप को न्यायाधीश भी समझते हैं, तभी तो ये फैसला कर लेते हैं कि कौन दंगाई है और कौन पीड़ित। तभी तो मंत्री जी एक ही घटना में पीड़ित तीन में से दो मुस्लिम लोगों को तो दंगाई करार दे देते हैं और घायल हुए एक गैर मुस्लिम के घर दुख जताने पहुंच जाते हैं। नाजरीन, यह मामला बिजनौर के नहटोर का है, लेकिन जब मंत्री जी से मीडिया ने सवाल किया कि आप उन मुस्लिम परिवारों के घर में दुख जताने क्यों नहीं गए जहां के दो लोग मारे गए हैं, उनके घर भी वहीं पड़ोस में थे, इस पर मंत्री जी बड़े ही लापरवाही भरे अंदाज में बोले कि मैं दंगाइयों के घर क्यों जाऊं। नाजरीन, इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा भले ही देश में एकता का ढिंढोरा पीटती हो लेकिन उसके नेता अब भी मुल्क की आवाम को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से ही देखते हैं। नाजरीन, देश की आवाम अब मोदी जी से यह पूछ रही है कि बाबा जी के चहेते मंत्री को इनाम दोगे या फिर इनके खिलाफ कार्यवाही करके सजा दोगे। नाजरीन, हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नेक अमल पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, और नाजरीन हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने जानने और मिलने वालों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है या ये वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल नूरानी खबरों को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को दबा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख्याल रखें कि साथ में बने घंटी वाले आइकन को दबा लें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नाजरीन, ये बिल्कुल फ्री है, और हां, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि अपनी राय हमें जरूर भेजते रहें। कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।